तो एक दिन भगवान श्री राम चारों भैया गए कहाँ, सरयू के किनारे। भगवान ने खेल खेला, कौन खेला, खेलो तमाम तरह के बहुत भैया। भगवान ने मर्यादा वाला खेल खेला, और हमारे गांव घर में लड़का एक खेल खेलते देखे हो, बिटिया लोग एक खेल खेलती हैं विद्यालय में, वो ख्याल का कहते हैं, खो खो, का कहते हैं, खो खो है ना, खोखा है, ये खेल खेलती है मात बिटिया लोग खो खो। इमा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इमा दुनिया सब ललचात है कि हम चोर बने, हमका नहीं चोर बनोते, खो खो हे। और लड़का खेल ख्यालत हैं, कुल लड़का देखो खेल ख्यालत हैं, ये कबड्डी का तो एक लड़का हुरमुट्टा वाले खेल ख्यालत हैं, देखियो यो हाथे में हम माटी भरे हैं, वह में एक धुरकिल्ला गड़े हैं, हम आँखी पांद लिया हैं, और ले जाए कहें उका लवलई के किनारे धरे हैं, और वैसे से आए कहीं यहाँ, और तब आँखें छोड़े हैं 18 चक्कर घुमाए दे हैं, तो उनका है रतौंधी, और जाते हैं इसी वर का कहते हैं हाई ने रहे बताइबे बड़ी दूर है नहीं, यू धुरकिल्ला वाला खिलवाए। और एक लड़का कुछ खेलत है कबड्डी वाले, कबड्डी वाला खेल खेलत देखो बड़कैन के तो मिनटी भर साँक रोकर छुड़कैन के तो तुम बिल्कुल ऐसा टट्टर समझाओ है नहीं, छोट बड़के वाले बोले कबड्डी 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 है ना, और छोटके जब बोले थे तो कहाँ बोलते मालूम, आइला छो बस पकड़ लेंगे, जब पकड़ लेंगे तो कहते हैं काला बादान छो, तो कहते धरी कर रगड़ेगे, तो कहते हैं निबुआ के डाल छो है ना, जब और दाबेगे तब तो जब सांक ले पाए तो कहते हरदी लोबान छो, कहने भाई सांक टूट नहीं घंटा रगड़ा हुआ हो तो है तेरा बताओ। अब ये एक नवा ऐसा खेल चल रहा है, ईका कहते हैं करकटू है ना, करकट वाला उसका क्रिकेट कहते हैं ना, हम क्रिकेट ना हम करकट वाला कहते हैं है ना मेरे बंधु, एक जना इसीलिए डंडा ठाड़ और ऐसे मारोगे थे यह खेलो या दादा मेरे बंधु। भगवान ने कौन खेल खेला मालूम, भगवान ने क्या किया मर्यादित खेल देखिए, यक दीन राम पतंग उड़ाई रामा, एक दीन राम भगवान ने पतंग उड़ाया और अपनी पतंग तेज उड़ा दिया भैया कि वह पाताल लोग यहां से लेकर देवलोक में पहुंच गई। पतंग उड़ती उड़ती सीधे देवलोक में पहुंच गई। जब देवलोक में पहुंच गई उस समय मेरे बंदो इंद्र भी घर में नहीं था, इंद्र का बेटा जयंता भी घर में नहीं था, जयंत की पत्नी का नाम है, ये इंद्र की बहू है, इसका नाम है सुंदरी, का नाम है भैया सुंदरी। अब एक बात बता दें, शरीर से सुंदर नहीं माना जाता, चेहरा से सुंदर व्यक्ति नहीं माना जाता, तो सुंदर कौन माना जाता है मालूम, काग भुसुंडी से गरुड़ ने पूछा था नीलगिरी पहाड़ पर, महाराज सुंदर कौन है, तो गरुड़ जी से कागभुसुंड ने कहा था गरुड़ व्यक्ति वही सुंदर माना जाता है। सोए पावन सोए सुभग शरीरा जो तन पाई भजे रघु, जो कोई भगवान का भजन करे वही सुंदर है। इसलिए बहनों भाइयों आज तो कथा में बैठे हो, कथा में नहीं हो फिर भी
बगिया कोई अपनी चमन कर ले, बगिया कोई अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, बगिया को अपनी चमन अपनी, अरे चमन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करी ले। मेरे बंदो, रोज भजन थोड़ा थोड़ा किया जाए। भजन कैसे किया जाए? जैसे थोड़ा थोड़ा रोज घी खाई हो हजम हो गई, वैसे रोज रोज थोड़ा थोड़ा भजन करे चाहिए। या कई दिन 1 किलो घी खवा दो हजम हो, हजम ना हो दिन भर भागे भागे फिर हो है। ऐसे एक दिन में भजन नहीं किया जाता है, भजन रोज किया जाए थोड़ा थोड़ा, तो वो हमारे शरीर में घी की जैसे ताकत बनाएगा और वो भक्ति हमारी सफल भी होगी। भगवान ने इतनी जोर से पतंग उड़ाया भैया कि इंद्रलोक में पहुंच गई। इंद्र भी नहीं है, जयंता भी नहीं। गौर से सुनिए, इंद्र भी नहीं, जयंता भी नहीं है, तो वह सुंदरी अंटे पर बाल सुखा रही थी। इंद्र की बहू का नाम है सुंदरी, बाल सुखा रही थी। और एक बात बता दें, हमारी माताओं बहनों को वैसे तो सुंदरता सब जगह मिली है, लेकिन जब हमारी बहनी माताएँ स्नान करके जब अंटे पर अपने बालों को सुखाती हैं, तब भगवान इनको सुंदरता अलग से देता है। अब तो जवाना बदल गया हो भैया। अब जवाना का बदल गया? अब जवाना यूँ बदल गया है, पहले जमाने में देखो माताएं बहने जब बाल सुखाती थी तो लड़के एक डंडा जुटती रहा, झड़ा झड़ झड़ा झड़काती रहा, उसने कहा झोर दे हम। अब झोरे वाला काम खत्म है, अब बस क्या करती हैं, धोए के यहाँ तुरंत और उलेट गुलेट के यहाँ बिल्कुल, अब ये पर धल लेती हैं तो यूँ देखो या मालूम देते हैं पुराने ज़माने के जीप के स्टपनी आए है ना, ऐसे रख लेती हैं। सुंदरी अपने बालों को सुखा रही थी, पतंग को देखा मन मोह गई, विचार करने लगी ये पतंग अति बढ़िया है तो इसका उड़ाने वाला भी बढ़िया होगा। धीरे धीरे पतंग को इशारा किया, इशारा किया तो पतंग भी आकर सकड़ में भैया बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो पतंग आकर के सुंदरी के समीप पहुंची, सुंदरी उस पतंग को पकड़ के भैया गह लिया, गहमा ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया भगवान ने पतंग खींचा, पतंग खींचे नहीं आवे। भगवान ने सोचा भाई पतंग ऊपर कहाँ फंस गए है, तो अब कीका पठवा जाए। हनुमान से कहा हनुमान जाओ देखो पतंग कहाँ फंसी। हनुमान जी महाराज तुरंत पहुँचे, वहाँ पर देखा एक देवी पतंग पकड़े खड़ी है। हनुमान जी ने दूर से इशारा किया, है देवी छोड़ दे पतंग, मेरे प्रभु की पतंग है। सुंदरी ने कहा हे कपिराज, कहाँ रहते हो, क्या नाम? हनुमान जी बोले मेरा नाम हनुमान, मैं राम जी का दूत हूँ, मेरे प्रभु ने पतंग उड़ाया। सुंदरी बोली जाओ घूम जाओ, पतंग नहीं छोड़ूंगी, पतंग छोड़ूंगी कब, जब पतंग उड़ावे वाला दर्शन दी तब। ये शर्त है। हनुमान जी कहा लग ज्यादा अभिरव ठीक हो नहीं है हो हैं, और तंथ ने ज्यादा अभिरव नहीं ठीक होत है ना, ज्यादा विंडियो तो बेकार हो, इनकी रिपोर्ट जल्दी लिखी जाती। तो हनुमान जी लौट आए, बेचारे जब लौट आए तो भगवान ने कहा हनुमान पतंग कहाँ फंसी। तो हनुमान जी बोले महाराज पतंग एक देवी पकड़े खड़ी है और वो कहती है कि मैं पतंग उड़ाने वाले के दर्शन करना चाहती हूँ, बस दर्शन मिल जाए मुलाकात हो जाए बस।
भगवान ने विचार किया भला मुलाकात कर रहिया है कि ऐसे बका रही। तो भगवान पतंग के धागे धागा घुसे और धागे धागा घुस के और गए सुंदरी के हृदय में झांका। हृदय में झांका तो वास्तविक में वो उसकी आत्मा हमसे मिलने को उमड़ रही। भगवान ने सोचा अब लोग कहते हो या तो महाराज गलत बात है, भगवान पतंग के रे धागे धागम घुसे और हुआ पहुंच गए सुंदरी के रे हृदय में झांका, तो अब हुआ पर का प्रमाण ना मानत, हुआ का प्रमाण ना मानो तो तुमको यहाँ प्रमाण बता दे या मैं कहे ये मसले के मशीन मई कहे तारे तार जाए के यहाँ और वही अंटे पर देखो जाए हम बोलते तारे तार। तो जब बताओ हम तारे तार जाएगा हुआ पर बोलते है वही तो भगवान है भैया। और वह तो बात अलग है, अब तो तारों के बात नहीं है, खाली मोबाइल उठाओ और खाली अत्ता कहो, खाली मोबाइल उठाए के यहाँ और अत्ता जस घंटी दबी हो और हैं भी कहाँ सऊदी अरब में, यहाँ न तार है न कुछ है, बस यहाँ किट्टिम किट्टिम दावे है घंटी। अब जहाँ बोले हलो कहने हलो कहाँ हो हम यहाँ बताओ, ना कोई तार है ना कोई है, खाली तरंगों से काम हो रहा।